ये क्वेश्चन दिया था करने को, फॉर्मूले अब भी वही यूज करने, बस तुम्हें डिसाइड करना है कैसे यूज करना है। साइन कॉस में लगाना है पहले, साइन कॉस में लगा लो, साइन साइन में लगाना है पहले लगा लो, इन दोनों में लगाना है, इट इज अप टू योर विश। 2 sin x cos 2x मैंने पहले इनमें डिसाइड कर लिया कि इनमें लगा। अब 2 sin a cos b पहला फॉर्मूला है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही तो आता है 1/2 साइन ए प्लस बी एक्स प्लस टू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू एक्स और ये साइन 3x 1/2। ये कितना बच गया हमारे पास, साइन 3x प्लस ये क्या बचा हमारे पास, साइन माइनस एक्स एंड ये साइन 3x। हमें पता है साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा है ना, तो ये एडजस्ट हो जाएगा 1/2 साइन 3x माइनस का साइन x और ये साइन 3x dx 1/2। ये आ गया साइन स्क्वायर 3x 1/2 साइन x एंड साइन 3x, अभी बन गया साइन स्क्वायर। कोई नहीं, देखो हमें पता है 1 cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा होता है ना, तो इसे तो इसके हिसाब से चेंज करते हैं, 2 को इधर ले 1/2 साइन स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं, 1 cos 6x/2। यहाँ 3x रखो तो यहाँ क्या जाएगा, 6x हो जाएगा 2/2 में आ जाएगा, तो 1 cos 6x/2 माइनस 1/2, एक 1/2 अपनी तरफ से लगाओ, एक यहाँ लगा दो, 2 sin x sin 3x dx। इसमें फिर फॉर्मूला बता हमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 sin a sin b, तो cos a माइनस b फोर्थ वाला माइनस का कॉस ए प्लस बी, ये जो था 1/2 1/2 1/4 1 माइनस 1/4 cos 6x dx माइनस 1/4। फॉर्मूला लग के क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस 3x माइनस कॉस एक्स प्लस 3x, ठीक है 1/4 dx का हो गया x, 1/4 cos 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 6x/6 x कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा ना 1/4, ये कितना हो गया cos माइनस 2x है ना, एंड cos माइनस थीटा इज cos थीटा तो cos 2x लिख दें, यहाँ माइनस 2x बन रहा है, cos माइनस 2x किसके इक्वल होता है, cos 2x के, इसलिए लिख दिया dx माइनस माइनस प्लस 1/4 एंड cos 4x dx, ये 1/4x माइनस sin 6x 6 × 24 माइनस 1/4 cos का कितना हो जाएगा, sin 2x/2 प्लस 1/4 एंड sin 4x/4 प्लस c। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेट, बस इतना ही हमें करना है।